हेलो फ्रेंड्स, युवा बेरोजगार महासम्मेलन में आज 1 लाख पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी करवाने की मांग रखी है, क्योंकि 4 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है और फिर भर्तियां नहीं आएंगी। तो 4 महीने से पहले पहले ही सभी भर्तियां, 1 लाख पदों पर जो भर्तियां आने वाली है सभी डिपार्टमेंट्स में, तो उनका वर्गीकरण जल्दी से जारी हो जाए, तो उससे संबंधित मांगें रखी गई है। साथ ही साथ ज्ञापन दिया गया और नई रीट भर्ती की मांग भी रखी गई है और ज्ञापन दिया गया है। तो कंप्लीट वीडियो दोस्तों 5-6 घंटे का है, जो कि उपेन यादव सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख पाएंगे। पर उसमें से दोस्तों जो आपके काम की बात है, जो आपके नई रीट भर्ती की है, तो उसकी क्लिप मैंने आगे वीडियो में जोड़ दी है, तो वीडियो पूरा देख लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। 1 लाख भर्तियों में, सुनो, 1 लाख भर्तियों में लाइब्रेरी की तो अच्छी बात है, धन्यवाद दो मंत्री जी को। आपकी फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए जा चुकी है, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, वो वित्त विभाग में जा चुकी है। यहाँ अधिकतर लोगों के बहुत के काम हुए। साथियों, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दीजिए। सर, अभी बिहार में 1,70,000 पे भर्तियां निकाली है, उसमें लिख दिया कि बिहार के लोगों को लेंगे, राजस्थान वालों को नहीं लेंगे, तो राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मांग भी रख रहे हैं। राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले। बजट की जो घोषणा है, चाहे पंचायत राज जयीन हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, वो जो तत्काल जितनी मांगे वो पूरी होनी चाहिए। हमारे पास राजस्थान योग प्राकृतिक चिकित्सक एसोसिएशन का ज्ञापन मिला है कि ये भी भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो मैम आपकी मांग भी मैं उठा रहा हूं और अब जब भी वार्ता होगी तो आपको भी ले जाएंगे। देखो, मैं चाहे भर्ती का एक व्यक्ति हो चाहे 100 व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के साथ मैं जाता हूं। भाई, जाता हूं कि नहीं जाता हूं आप लोगों के साथ? तो आप कौन से भाग में चक्कर काटता रहता हूं, पूरे दिन भर आप लोगों के लिए चक्कर काटता हूं। आज युवा बेरोजगार सम्मेलन है, कल वो पीटीआई वाले हैं, प्रोविजन वाले, उनके साथ मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाऊंगा, तो मैं तो हर व्यक्ति के साथ जाऊंगा, हर व्यक्ति की आवाज उठाता हूं। मैं फटाफट बता रहा हूं उनके साथ, बेरोजगार में दर्ज मुकदमे लेने की मांग है। इसके अलावा सीट बीजेपी के माफियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे वो सड़ने चाहिए ना, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए ना। मैं कहना चाहूंगा दोनों अतिथियों को कि ये केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजे, लेटर लिखे, हम भी आज मांग करेंगे उनसे, बीजेपी के नेता है उनसे मांग करें कि पेपर लीक को लेकर वो भी संसद में पूरे राज्यों के लिए लागू कर दो ना, एक साथ वहां एक कानून ले आए, पूरे राज्य में लागू हो जाए कि जो पेपर लीक करेगा उसकी जमानत नहीं होगी, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। राजस्थान में राजपासा रासुका भी लागू हो सकती है, जिसमें 2 साल तक जमानत नहीं हो और 2 साल जेल के अंदर रहेगा तो उसकी संपत्ति जब्त करिए, मकान पे बुलडोजर चलाए, उसके आर्थिक ऐसी मार करिए दोबारा पेपर लीक नहीं कर पाए। ये मांग भी राज्य सरकार से हम करते हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि पंचायत एलडी से 629 पदों वाली भी मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सारी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए। एक मांग और कर रहे हैं। मैंने एक मांग सुनी थी कि आरपीएससी को भंग किया जाए। मेरा मानना है कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, आरपीएससी भंग नहीं हो सकती। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, आरपीएससी भंग नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आरपीएससी का कमीशन यानी कि सदस्य और अध्यक्ष भंग हो सकता है और यूपीएससी की तर्ज पर उनका चयन किया जा सकता है। ये मांग हम करते हैं सरकार से। अब मैं मांग ये करूं कि साहब राज्यसभा को भंग करो, अरे राज्यसभा थोड़ी भंग होगी, राज्यसभा सदस्य भंग हो सकता है, राज्यसभा थोड़ी भंग होगी, इसलिए सुधार करना हो तो यूपीएससी की, हमने कभी सदस्य अध्यक्ष के खिलाफ हमने नहीं देखा कि पेपर लीक कर दिया कुछ हो, तो कम से कम ये राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। हम आपके बच्चे हैं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसा लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की राजनीति नियुक्तियां हम नहीं करें, कांग्रेस सरकार ने किया, ये परिपाटी चलती आ रही है। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों की जो परिपाटी चलाई जिसकी वजह से हालात हो रहे, तो यूपीएससी के तर्ज पर हम पारदर्शिता के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड और यूपीएससी में हम ये चयन करेंगे सदस्य अध्यक्ष को, तो कहीं ना कहीं भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो पाएगी, ये मांग हम कर रहे हैं। साथ ही अभी ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर की है राज्य सरकार ने, कल ओबीसी के युवाओं के लिए एक अच्छा फैसला हुआ, शायद आपको भी नहीं पता होगा। जैसे एसटीएससी के अभ्यर्थियों को बैकलॉग मिलता है, ऐसे 3 साल तक ओबीसी के अभ्यर्थियों को बैकलॉग मिलेगा, ये अच्छा फैसला है, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का इस चीज के लिए, धन्यवाद दे रहा हूं। किसी के पेट में दर्द चले तो चले, जहां अच्छा काम होगा मैं धन्यवाद दूंगा, अच्छा किया तो दूंगा, अच्छा काम किया। और जहां मुझे लगता है, ये तो कई बार राठौड़ जी भी कहते रहते हैं, क्या उपेन तो जल्दी खिलाफ हो जाता है, तो मैंने कहा कि आपने मुझे कहा था गलत का विरोध करना चाहिए, जहां गलत होता है मैं विरोध आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, कि मैं युवाओं के साथ हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कांग्रेस हमारी मांगे करती है, पूरी करते हैं, तो सबसे पहले जिंदाबाद हम बोलेंगे और समर्थन देने के लिए तैयार है। तैयार हो कि नहीं बताओ, हाथ खड़े करिए।
तैयार है सब। सीटी के 40% तो अभी मैं बोल चुका हूं, नई आरएस भर्ती एलडीसी एसआई एएन कंप्यूटर अनुदेशक बोर्ड कर्मचारी जो 1,00,000 भर्तियों का वर्गीकरण होगा, राजस्थान पुलिस एसआई सारी भर्ती उसमें वर्गीकरण होगा तो हमें पता लग जाएगा, तो हम मांग कर रहे हैं उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाए। अधिकतर ये चीजें हो चुकी है क्योंकि मंत्री जी को 2 बजे मीटिंग है, धर्मेंद्र राठौर जी बोलेंगे और लोग भी आएंगे, तो मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, लेकिन हमारी मांग है पीटीआई भर्ती में जो प्रोविजनल है इनके जो कई पद खाली है उनपे सूची जारी करने की मांग मैं कर रहा हूँ। शायद मंत्री जी से निवेदन करके एक बार चेयरमैन साहब को मैं फोन करा दूंगा, फिर अपन जाके मिल लेंगे। तो ये पीटीआई में जितने पद खाली है वो पद सारे भरवाए जाएंगे, चिंता ना करिए। अब बताओ अरे सुन लीजिए, अब सबकी मांगे उठी कि नहीं उठी है बताओ, आप किसकी रह गई बताओ, देखना किसकी रह गई बताना। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की बोल दिया ना, पंचायत एलडीसी की बोल दिया, वो पीछे कौन सी है, पर्यावरण विषय की बोल दिए, वो पीछे मुझे यार मेरी नजर कमजोर हो गई, सोशल मीडिया में ही चलाता हूं, सेकंड गेयर में थी 2016। अब एक काम करिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब कह रहा हूं बैठ जाओ, अब सुन लो यार, रेट में पद बढ़ाने की मांग वाले बच्चे हैं 4,500 मां देखा, अब बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे 4,500 पद रेट में कम कर दिए थे, कुछ अभ्यर्थी नई भर्ती की भी मांग कर रहे हैं, कुछ 60,000 की मांग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 4,500 पद भी बढ़ जाए और नई भर्ती भी आ जाए, बीच का रास्ता निकल सकता है, ये मांग मैं कर रहा हूँ राज्य सरकार से। अब अनुशासन में रहोगे सुन लो, कोई किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बोल दिया ना, पर्यावरण शिक्षा बोल दिया, कॉलेज शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा है ना, बिल्कुल आप बोल दिया मैडम, अब जाइए मैडम, बोल दिया ना, सुन लिया, आप मेरी मदद चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो बस तो अब मैंने बोल दिया, जाएंगे अपन, सारी चीजों की कमेटी बन रही है। सूचना सहायक में, अरे भाई सुनिए, बैठिए एक बार, बैठिए एक बार बैठिए, साथियों आप हमारे अतिथि बोलेंगे, सारी चीजें रख दी, अब एक चीज स्पष्ट कर दूं मैं, एक बार सुन लीजिए, जो हम मांग कर रहे हैं यदि कमेटी बनाकर हमें बुलाया जाता है, जो तमाम जो मांग पत्र है चाहे वो पर्यावरण विषय के हो, चाहे एलडीसी के हो, चाहे सीटी को, चाहे 4,500 को, चाहे पीटीआई को, चाहे जेल हो, तमाम होगा प्रतिनिधि, आप खुद जाकर बात करोगे, आपकी बात रखने का माध्यम आपको मिलेगा, आपका माध्यम आप लोगों को मिलेगा। सोच रहा सहायक में पद बढ़ाने का जो मामला है, सारी चीजें अब अपने पास समय कम है, अब कोई सारे लोग बैठोगे, अब बैठ जाइए भैया, मैं एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बैठ जाए बैठ जाओ, अधिकतर सारी मांगे मैं रख चुका हूं और कोई बाकी रहेगी तो सरकार के, तो मैं आपके साथ मैं जाता रहूंगा हमेशा। पैरामेडिकल की जो मांगे है, रेणुका पर लैब टेक्नीशियन वाली, अरे 1,00,000 में प्रक्रिया दिन में सारी भर्ती आ गई, नई भर्तियों में 1,00,000 में सारी भर्ती आ गई, अब एक एक चीज रखेंगे तो जिन अतिथियों को हमने बुलाया है वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, तो हमें अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी मांग मैंने रख दी है, और हम लोग 11 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से धर्मेंद्र राठौर जी के नेतृत्व हम मिलेंगे, तो हमारी मांगों के लिए, अरे मैं तो आपके साथ हूं ना, अरे हूं क्या नहीं हूं, लेकिन एक चीज है ना, जिस प्रकार तुम ये कर रहे हो ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया, आपके साथ मैं ही मिलूंगा, कोई नेता साथ नहीं आएगा, भाषण देने वाला नेता गायब हो जाता है, कौन रहता आपके साथ बताओ, कौन रहता बताओ, मैं रहता हूं ना, मैं रहता हूं ना, और आपके साथ मैं ही रहूंगा, और जब तक काम नहीं होगा मैं रहूंगा, मैं आप कह रहा हूं मेरी पार्टी मेरी युवा है, मुझे सरकार से टकराना पड़ेगा, फिर टकरा जाऊंगा आप लोगों के लिए, टकराया कि नहीं है, फिर टकरा जाऊंगा, लेकिन जहां अच्छा काम होगा हमारा फर्ज बनता है, अच्छा काम किया हमने धन्यवाद दिया, ओबीसी का वो अच्छा दिया, पीटीआई का हम धन्यवाद दिया, तो अच्छा काम, मैं एक चीज और बता दूं, इस बेरोजगार संघ में मैं रहूं या ना रहूं, मैं कहीं किसी के साथ जुड़ूं,
आज मैं मान लीजिए हमारे अतिथि है, कल मान लीजिए मैं दूसरे के साथ रहूं, लेकिन मेरा कहना है जिस व्यक्ति ने आपको भला किया उसका गुणगान हमेशा जिंदगी में मत भूलना, जिसने अच्छा किया उसको हमेशा याद रखना। आज मुझे याद है मैं आयुष में जब है अंतिम क्षण था, यदि धर्मेंद्र राठौर जी नहीं पहुंचते तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता, तो इस चीज को मैं याद रखता हूँ। मांगों की लड़ाई अलग जगह है, मांगों की लड़ाई अलग जगह है। आज मैं मांग रख रहा हूँ, कल सरकार ने मांग नहीं मानी, कल मैं शहीद स्मारक में धरने पे बैठ गया, वो हमारे अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन जो मानवता है, जो इंसानियत है, ये पहुंचे और मेरी जान बताई, मेरी जान बची तो आपकी आवाज उठाने के लिए उपेंद्र यादव मिला कि नहीं मिला? अरे मैं चला जाता तो कौन आवाज उठाता बताओ? तो धन्यवाद है कि नहीं है बताओ? है ना? तो इसलिए मैं अभी आप बोल अब मैं आमंत्रित करता हूं धर्मेंद्र राठौर जी को कि वो आए और युवाओं को मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं ये चाहूंगा, हम सब ये चाहेंगे कि आज जिस भावना से आप यहां आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, उपेंद्र यादव जी ये बुलावे पे आप आए हैं, इनके एक ट्वीट से आए हैं, और युवाओं के महत्व को समझते हुए माननीय बीडी कल्ला साहब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक तरह से निर्देश पे हम आपकी बात सुनने जब आए हैं समय निकाल के, तो हम ये चाहेंगे, आप भी ये चाहेंगे कि इस समय का सदुपयोग हो। आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे भाई? समय का सदुपयोग करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। इसलिए अब आप आपकी सारी मांगे उपेंद्र यादव जी ने विस्तार से आपके बीच आपके समक्ष हमको अवगत करा दी है। और भी कोई बात रह गई है किसी भी वर्ग की, किसी भी भर्ती संबंधी बात अगर रह गई है तो वो उपेंद्र यादव जी को आप लिखा दीजिए, हम उसको इनकॉर्पोरेट करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे।